हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में यूनिट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका टॉपिक का नाम है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्केबिलिटी क्या होती है, तो आइए हम लोग डिफिनेशन से देखते हैं। वर्केबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ईजली मिक्सड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड, कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश्ड। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव द फुल कॉम्पैक्शन। ओके, वर्केबिलिटी क्या कहता है कि आपका वर्केबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वर्केबिलिटी के द्वारा हम कितनी आसानी से कंक्रीट को डिजायर्ड शेप दे सके, यही हमारा वर्केबिलिटी कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या किया है, कंक्रीट के दौरान ज़्यादा आसान काम हो जाने से क्या हुआ, इजली मिक्स्ड होने से ट्रांसपोर्टेड किया, प्लेस्ड किया, कॉम्पैक्ट किया और फिनिश्ड किया। ओके, फिर आपको ये कहता है फंक्शंस ऑफ वाटर इज ऑल्सो टू ल्यूब्रिकेट द कंक्रीट सो दैट द कंक्रीट कैन बी कॉम्पैक्टेड विद स्पेसिफाइड इफर्ट फोर्स कमिंग एट द साइट ऑफ वर्क। कहता है अगर हम ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारा वर्केबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है। तो वाटर ऐड करने के वजह से कंक्रीट में क्या होता है, ल्यूब्रिकेट होता है ये, जिस वजह से आपका कंक्रीट कॉम्पैक्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसको साइट पे वर्क के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आपको लिखा है द ल्यूब्रिकेशन रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग कंक्रीट विदाउट सेग्रीगेशन फॉर प्लेसिंग विदाउट लॉस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। क्या किया आपका, कहता है क्या कि लुब्रिकेट होने के वजह से कंक्रीट का हैंडलिंग आसानी से हो जाता है विदाउट किसी सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन का मतलब होता है आपका सेपरेट होना। ओके, तो ये सेपरेट यहाँ पे किस चीज़ से हो रहा है, तो कंक्रीट में आपका क्या है, अगर एग्रीगेट्स आपका क्या हो रहा है, एग्रीगेट अगर आपका अलग नहीं हो रहा है सीमेंट, सैंड और वाटर से, तो वो आपका फुल कॉम्पैक्ट, तो वो आपका वर्केबिलिटी अच्छा है। लेकिन आपका कह रहा है यहाँ पे कि अगर सेग्रीगेशन का मतलब हो गया, अगर एग्रीगेट आपका अलग हो गया, वाटर अलग हो गया और सीमेंट का पेस्ट अलग हो गया, अगर ये आपका कंक्रीट अलग अलग हो जाता है तो वो आपका सेग्रीगेशन कहलाता है। बट यहाँ पे आपको कह रहा है कि विदाउट सेग्रीगेशन मतलब बिना आपका जो है पेस्ट, सीमेंट ये सब हटे हुए ही आपका जो कंक्रीट का जो हैंडलिंग है वो अच्छे से हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें क्या है कि किसी भी तरह का लॉस भी नहीं हो रहा है, मिक्सचर आपका कैसा है, एक जैसा है, होमोजीनियस है। ओके, तो हम लोग जान गए कि वर्केबिलिटी क्या होती है। वर्केबिलिटी आपका क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम कितनी आसानी से कंक्रीट को डिजायर्ड शेप दे सके, वो हमारा वर्केबिलिटी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर को अफेक्ट कर रहा है। तो इसके जो है सेवन टाइप्स के फैक्टर है। पहला है आपका वाटर कंटेंट, सेकेंड है आपका मिक्स प्रोपोर्शंस, थर्ड है आपका साइज ऑफ एग्रीगेट, फोर्थ है आपका शेप ऑफ एग्रीगेट, फिफ्थ है आपका सरफेस टेक्सचर, सिक्स है आपका ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, सेवन्थ है आपका एडमिक्सचर्स। मतलब ये सात ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी में आपका इफेक्ट कर रहा है। जैसे वाटर कंटेंट में हो गया कि आपने जो वाटर ऐड किया है उसका कंटेंट कितना है, मिक्स प्रोपोर्शंस हो गया कि आपने जो भी सीमेंट, सैंड, वाटर या एडमिक्सचर ये सब जो आप ऐड कर रहे हैं इसकी मात्रा कितनी है, वही आपका मिक्स प्रोपोर्शंस आ गया। साइज ऑफ एग्रीगेट कि आप किस साइज के एग्रीगेट्स को यूज कर रहे हैं, शेप ऑफ एग्रीगेट्स में कि जो भी हम साइज के एग्रीगेट्स के यूज कर रहे हैं उनका शेप कैसा है। फिर है आपका सरफेस टेक्सचर कि देखने में आपका एग्रीगेट का सरफेस कैसा है, ग्रेडिंग कैसा है, एडमिक्सचर उसमें कौन सा है। तो वाटर कंटेंट में क्या कहता है, वाटर की मात्रा जो है आपका इफेक्ट कर रहा है वर्केबिलिटी में, तो इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इंक्रीज वर्केबिलिटी। कहता है कि अगर आप वाटर को ज़्यादा ऐड करते हैं तो वर्केबिलिटी भी आपका क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर
मिक्स प्रोपोर्शंस में कहता है कि अगर लोअर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इट विल बी वर्केबल। अगर आपका एग्रीगेट्स लोअर है और सीमेंट रेशियो आपका ज़्यादा है, क्या कहा, एग्रीगेट्स आपका क्या है, लोअर है और सीमेंट रेशियो आपका ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वर्केबल होगा, मतलब जो हम लोग मिक्स करेंगे वो काम क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। फिर साइज ऑफ एग्रीगेट्स में कहता है कि अगर बिगर साइज है तो ज़्यादा वर्केबल होगा। ओके, फिर है आपका शेप ऑफ एग्रीगेट में कि हम लोग राउंड एंड क्यूबिकल शेप्स आर मोर वर्केबल। अगर हम लोग जो है राउंड और क्यूबिकल शेप वाले एग्रीगेट्स को यूज करते हैं जब कंक्रीट को मिक्स कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि हमारा कंक्रीट ज़्यादा वर्केबल होता है। सरफेस टेक्सचर में क्या कहता है, स्मूथ सरफेस एग्रीगेट मोर वर्केबल देन रफ। आपका क्या बता रहा है कि सरफेस टेक्सचर कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, इसलिए क्योंकि स्मूथ वाला ज़्यादा वर्केबल होता है कंपेरिजन टू रफ वाले एग्रीगेट से। ओके, फिर है आपका ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। ग्रेडिंग में कहता है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स मोर वर्केबल देन पुअरली ग्रेडेड। हम लोगों ने कंक्रीट वाले चैप्टर में, सॉरी एग्रीगेट्स वाले चैप्टर में पढ़े थे कि वेल ग्रेडेड कौन सा ग्रेड होता था, जब आपका क्या था, यहाँ आप डायग्राम से देख के समझ सकते हैं कि जिसमें क्या होता था, ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स, ऑल टाइप ऑफ एग्रीगेट्स, सभी टाइप के एग्रीगेट्स जब हम लोग यूज करते थे तो हमारा वो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स होता था, जिसको क्या होता था, मिलाना आसानी होता था, आसान होता था। तो वही आपका कह रहा है कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट में कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स आपका ज़्यादा वर्केबल होगा कंपेरिजन टू पुअरली ग्रेडेड। इसलिए पुअरली ग्रेडेड में आपका क्या था, यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम से कि आपको जो है पुअरली ग्रेडेड में एक जैसा ही आपका सारा का सारा एग्रीगेट्स था, सेम होमोजीनियस। ओके, तो ऐसा क्या होने से क्या होता है, जब हम इसमें सीमेंट सैंड वाटर ऐड करके इनको जब हम लोग मिक्स करते हैं तो इसको मिक्स करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि आपका वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स को मिलाना आसान होता है, क्योंकि इसमें सभी टाइप के एग्रीगेट्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से आपका ये एग्रीगेट सबसे ज़्यादा वर्केबल होता है। ओके, तो आपको ये सेवन टाइप्स के फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे कि वाटर की कंटेंट जो है ज़्यादा हुआ तो वर्केबल होगा, मिक्स प्रोपोर्शंस में कि कम जो है एग्रीगेट डाले और सीमेंट रेशियो ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा वर्केबल होगा, साइज ऑफ एग्रीगेट में कह रहा है कि आपका क्या है, बिगर साइज होना चाहिए, शेप में राउंड और क्यूबिकल होना चाहिए, सरफेस टेक्सचर में स्मूथ होना चाहिए, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स में आपका वेल ग्रेडेड होना चाहिए। एडमिक्सर में कहता है एयर इंट्रेंट एडमिक्सर जो है क्या करता है, वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है। ओके, तो हम लोगों ने वर्केबिलिटी जान लिया, वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हम लोगों ने वो जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्टिंग ऑफ कंक्रीट फॉर वर्केबिलिटी किसके अकॉर्डिंग, IS 1199। ओके, ये IS आपका आई डिपेंड करता है इंडियन, एस डिपेंड करता है स्टैंडर्ड, यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन सा है, 1199 के अकॉर्डिंग हम लोग वर्केबिलिटी का टेस्ट देखेंगे। तो फर्स्ट आपका आता है स्लंप टेस्ट, सेकंड आता है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, थर्ड आता है आपका फ्लो टेस्ट और फोर्थ आता है आपका VV टेस्ट। तो बारी बारी से चलिए हम सारे टेस्ट को देखते हैं कि वर्केबिलिटी के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं। तो फर्स्ट था आपका स्लंप टेस्ट, यहाँ आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि आपका डायग्राम में ये जो दिख रहा है ये क्या है, आपका एक फ्रस्टम है। ओके, जिसका कि टॉप का डायमीटर कैसा है, टॉप वाला डायमीटर देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर है और ये नीचे वाला जो बॉटम वाला डायमीटर है ये 20 सेंटीमीटर है। इनका जो टोटल हाइट है ये जो आपको दिख रहा है वो कितना है, आपका 30 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर आपको एक रड दिख रहा होगा। तो स्लंप टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसी फ्रस्टम में क्या करते हैं, हम लोग कंक्रीट को डाल के इसका स्लंप निकाल लेते हैं। तो ये आपका कैसा है, मोस्ट कॉमन मेथड है, फ्रस्टम हैविंग टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमेंशन अराउंड 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में भी लिखा है। ओके, फिर है कंक्रीट टू बी टेस्टेड,
इन फिल्ड इन द मोल्ड इन फोर लेयर वेयर ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड 25 नंबर ऑफ टाइम्स विद द हेल्प ऑफ रड। क्या करते हैं इसमें हम लोग, इस फ्रस्टम में चार लेयर में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कंक्रीट को ऐड करते, कंक्रीट फिल करते हैं और इसको क्या करते हैं, जो रड है वहाँ पे, इस रड के हेल्प से इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। कितनी बार करेंगे तो 25 बार करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि हम लोग जब स्लम टेस्ट करते हैं, फ्रस्टम का जो डाया होता है वो टॉप का और बॉटम का कितना होता है और कितना नंबर ऑफ जो है इसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं, तो 25 टाइम्स हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। किसके हेल्प से, तो रड के हेल्प से। फिर नेक्स्ट दिया है, मोल्ड इज रिमूव्ड इमीडिएटली बाय लिफ्टिंग इट अपवर्ड डायरेक्शन विच कॉजेज द कंक्रीट टू सब्सिडाइज, द सब्सिडेंस ऑफ कंक्रीट इज रिफर्ड एज स्लम विच मे ऑल्सो डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द मोल्ड एंड टॉप लेवल ऑफ सब्सिडाइज कंक्रीट। आपने क्या किया, यहाँ पे कंक्रीट फिल किया। ओके, कंक्रीट फिल करने के बाद ये जो नीचे वाला आपको यहाँ से पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग 2 मिनट के बाद क्या करते हैं, लिफ्ट उप कर देते हैं, यानी ऊपर उठा देते हैं। ऊपर उठाने के बाद आपको इस टाइप का मिला, ठीक है। तो ये आपका फ्रस्टम है, यहाँ रड है। अब आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के का जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका स्लम्प कहलाता है। ओके, तो आपको स्लम्प टेस्ट समझ में आ गया होगा वर्केबिलिटी का। लेकिन इसके भी 3 टाइप के हैं, किस टाइप का, तो ट्रू स्लम्प, सीयर और कोलैप्स। अभी हमने जो डायग्राम में देखा था फर्स्ट वाला, इसमें क्या था, इस टाइप से आपको शेप मिल गया था। बट यही अगर आपका शेप इस टाइप से मिल गया, ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा वाटर ऐड होगा तो वो क्या होगा कि वो इस टाइप से आ जाएगा, तो ये आपका सीयर स्लम्प कहलाएगा। अगर ये पूरा का पूरा गिर गया है इस टाइप से जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, तब आपको वो स्लम्प कोलैप्स कहलाएगा। यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ स्लम्प मोर इज द वर्केबिलिटी। जो आपका ज़्यादा स्लम्प का वैल्यू मिला है, ओके, वो ज़्यादा आपका वर्केबल होगा। दिस टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर कंक्रीट विच प्रोसेस आइदर वेरी हाई वर्केबिलिटी फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी। ये वाला जो आपका प्रोसेस था, ये कह रहा है कि ये तो ना तो ज़्यादा हाई वर्केबिलिटी के लिए प्रोसेस यूज होगा, ना तो लो वर्केबिलिटी के लिए। इट इज़ नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर वेट और वेरी ड्राई कंक्रीट। और ये क्या कह रहा है आपका, ये मेथड आपका ना तो ज़्यादा गीला और ना तो ज़्यादा सूखा कंक्रीट के लिए भी सुटेबल नहीं होगा। इफ द कंक्रीट स्लम इवेनली इट इज कॉल्ड ट्रू स्लम, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। फिर है, इफ वन हाफ ऑफ द कोन स्लाइड डाउन इट इज कॉल्ड सीयर स्लम। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ से हाफ वाला कोन क्या है आपका, इधर साइड में क्या हुआ, डाउन हो गया, गिर गया, तो ऐसे को हम लोग सीयर स्लम बोलते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वाला है, इन केस ऑफ सीयर स्लम्प द स्लम्प वैल्यू इज मेजर्ड एज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाइट ऑफ द मोल्ड एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द सब्सिडेंस। सीयर स्लम्प आल्सो इंडिकेट दैट कंक्रीट इज नॉन कोहेसिव एंड शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो आपका मोल्ड का साइज है, इसमें से क्या हो गया, ये कितना नीचे चला गया आप देख सकते हैं, इसका हाइट आपका यहाँ से यहाँ तक है। ओके, और ये इस टाइप्स को हम लोग कौन सा बोलते हैं, कोलैप्स बोलते हैं। तो ये आ गया आपका कौन सा, स्लम्प टेस्ट, ओके, वर्केबिलिटी का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्लम्प का वैल्यू कितना होने पे ये लो, मीडियम और हाई होगा, तो इस डाटा से पता चलेगा कि वर्केबिलिटी ऑफ जो कंक्रीट है। इसमें देखिए, अगर स्लम्प का वैल्यू आपका 25 से 75 तक आया है, तो ऐसे हम लोग को डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो आ जाएगा। ओके, फिर अगर 50 से 100 या 75 से 100 के बीच में रेंज है, तो ये आपका मीडियम वर्केबिलिटी में आएगा। फिर नेक्स्ट है 100 से 50, तो ये आपका हाई में आएगा। तो ये सब आप, ये वाला आपको डाटा याद रखना होगा स्लम्प का, तभी आप जान पाएंगे कि स्लम्प को कौन सा स्लम्प आपका वेरी लो में है, लो में है, मीडियम में है और हाई में है। ओके,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, वर्केबिलिटी का पता करते हैं। यहाँ आपका देखिए, आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है डायग्राम, ये आपका हॉपर है, ये वाला अपर हॉपर है, ये लोअर हॉपर है, नीचे आपका सिलेंडर दिया हुआ है। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हम लोग इसी मशीन से करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, इसमें कंक्रीट फिल कर देने के बाद यहाँ पे एक ओपनिंग गेट लगा होता है। इस ओपनिंग गेट को हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट डालने के बाद ओपन कर देते हैं, फिर आपका ये कंक्रीट सेकेंड वाला हॉपर में चला जाएगा। उसके बाद आपका ये ओपनिंग भी आपका यहाँ से दिख रहा होगा, ओपनिंग है, इस वाले ओपनिंग को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से खोल देंगे, तो ये वाला फिर सारा का सारा कंक्रीट आपका सिलेंडर में आ जाएगा। तो ये सारा जो है कॉम्पैक्ट होके कहाँ आ रहा है, आपका सिलेंडर में आ रहा है। यही आपका जो है टोटल में से कितना आपका कंक्रीट कॉम्पैक्ट हुआ, वो आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर कहलाता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है आपका, इट इज मोर प्रिसाइज एंड सेंसिटिव देन स्लंप टेस्ट। दिस टेस्ट इज यूज फॉर कंक्रीट प्रोसेसिंग मीडियम एंड लो वर्केबिलिटी, फॉर विच स्लंप टेस्ट इज नॉट सूटेबल। अगर आपके पास स्लंप टेस्ट सूटेबल नहीं है और आपको मीडियम और लो वर्केबिलिटी के लिए कंक्रीट चाहिए, तब आप कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन फाइंडिंग द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव्ड बाय द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द कंक्रीट व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम नॉन हाइट। ओके, दिस डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर दैट रिप्रेजेंट द डेंसिटी रेशियो। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट ऑब्टेन ड्यूरिंग टेस्ट टू डेंसिटी ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। यहाँ से यहाँ तक आने में आपका जितना भी आपका कॉम्पैक्ट हो रहा है, वो रेशियो आपका क्या कहलाता, वो जो आपका यहाँ से यहाँ तक आया आपका कंक्रीट, उससे क्या हुआ, आपका जो कॉम्पैक्शन हुआ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आने में पार्शियली कॉम्पैक्ट हो गया, और जो इसका ओरिजिनल वेट था, ओके, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्या आया, कॉम्पैक्शन फैक्टर कहला गया। ओके, तो ये आप इस तरीके से कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वीवी कंसिस्टोमीटर। वीवी कंसिस्टोमीटर आपका जो है बहुत ही आसानी से इसमें वर्केबिलिटी निकाल लेते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ आपका कौन सा शेप का है, कॉनिकल शेप का है, फिर यहाँ पे आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा होगा। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो कॉनिकल आपका फ्रस्टम है, यहाँ जब हम लोग कंक्रीट को फिल करेंगे तो इसका मेन मोटिव होता है कि कॉनिकल से ये सिलेंडर शेप में आ जाए आपका, ठीक है। तो कॉनिकल से सिलेंडर शेप आने में जितना भी आपका टाइम लगा, या डिग्री ऑफ वीवी, इसी को हम लोग वीवी कंसिस्टोमीटर बोलेंगे। इट डिटरमाइंस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग बाय वाइब्रेशन अ कंक्रीट स्पेसिमेन इन द शेप ऑफ कॉनिकल फ्रस्टम इनटू अ सिलेंडर। वही कहा है आपका, इस कॉनिकल से आपका इस सिलेंडर तक आने में कंक्रीट का जो भी टाइम लगा, वही आपका क्या कहलाता है, वीवी कंसिस्टोमीटर। इट इज सुटेबल फॉर कंक्रीट हैविंग स्लंप लेस देन 50 mm। ये कब आपका सुटेबल है, जब आपका स्लंप कितना है, 50 mm से लेस है। कंसिस्टेंसी ऑफ द कंक्रीट इज एक्सप्रेस्ड इन वीवी डिग्री विच इज इक्वल टू रिकॉर्डेड टाइम इन सेकेंड। जो वीवी डिग्री है वो किसके इक्वल है, जितना आपने रिकॉर्ड किया है सेकेंड को, टाइम को सेकेंड में, कि इतना से इतना टाइम में आपका क्या है, कॉनिकल से सिलेंड्रिकल शेप में आपका शेप आ गया। इट इज़ अ गुड लेबोरेटरी मेथड। यह आपका अच्छा लेबोरेटरी मेथड है, प्रैक्टिकुलरली फॉर वेरी ड्राई मिक्स। ये ड्राई मिक्स के लिए ज़्यादा यूज होता है। फिर है आपका फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट से भी हम लोग क्या करते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का टेस्ट कर लेते हैं, कि आपका जो कंक्रीट है वो कितना वर्केबल है। इट इज़ द लेबोरेटरी टेस्ट विच गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट विथ रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी, कोहेसिवनेस, द पुअरनेस ऑफ टू सेग्रीगेशन।
परसेंटेज ऑफ फ्लो इज इक्वल टू स्प्रेड डायमीटर इन सेंटीमीटर माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100। फ्लो परसेंटेज निकालने के लिए आपका लेबोरेटरी मेथड टेस्ट है, जिसमें कि आप परसेंटेज ऑफ फ्लो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें क्या किया आपका कि क्वालिटी ऑफ कंक्रीट किसके किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, कोहेसिवनेस और पुअरनेस टू सेग्रीगेशन के रेस्पेक्ट में। ओके, फिर है आपका सेग्रीगेशन इन कंक्रीट। सेग्रीगेशन इन कंक्रीट, सेग्रीगेशन मीन्स क्या होता है? तो सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन कंक्रीट, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट। सो व्हेन देयर पार्टिकल्स आर सेपरेशन फ्रॉम विच अदर इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। क्या कह रहा है आपका, कंक्रीट में क्या क्या आ रहा था आपका, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट। ओके, कहता है अगर ये सब हम लोगों का क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, मतलब अलग अलग हो जाए, ठीक है। अगर ये सब आपका क्या होता है, अलग अलग हो गया कंक्रीट में, तो यही चीज़ आपका क्या कहलाएगा, सेग्रीगेशन कहलाएगा। एक दूसरे से अलग हो जाने के बाद ये सेग्रीगेशन कहलाता है। रिड्यूस सेग्रीगेशन इन कंक्रीट, अब हम कंक्रीट में सेग्रीगेशन को रिड्यूस कैसे करेंगे? तो आपका ए ऑप्शन में कहता है वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी लिमिट इन कंक्रीट। जो हम लोग वाटर सीमेंट का रेशियो लेंगे कंक्रीट में, वो कहता है कि हम लोग लिमिट में लेंगे, मतलब जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही लेंगे, ठीक है। बी में कह रहा है कंक्रीट शुड नॉट टू वेट और टू ड्राई। हमारा जो कंक्रीट है वो ना तो ज़्यादा गीला होना चाहिए ना तो ज़्यादा सूखा होना चाहिए। नेवर प्लेस कंक्रीट फ्रॉम लार्ज हाइट, लार्ज हाइट तक, जैसे आप यहाँ कंक्रीट रखे हैं, कहता है कि ऐसे हमको लार्ज हाइट तक इसको नहीं रखना है। तो ये सब अगर हम करते हैं फॉलो, तो आपका जो है कंक्रीट में सेग्रीगेशन कहता है कि रिड्यूस हो पाएगा। अब सेग्रीगेशन के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका कोर्स एग्रीगेट सेटल डाउन एट द बॉटम, सीमेंट पेस्ट सेपरेट फ्रॉम द कोर्स एग्रीगेट, और थर्ड है वाटर सेपरेट्स आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट आता है आपका ब्लीडिंग इन कंक्रीट। ब्लीडिंग इन कंक्रीट क्या होता है? अब जब हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट तैयार करते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, सीमेंट एंड वाटर ऐड करने से आप जब भी कंक्रीटिंग कर लिए, कहीं सेफ दे दिए, यहाँ से क्या होगा, आपका वाटर निकलने लगेगा, और वाटर के साथ साथ क्या होगा, कुछ आपका सीमेंट वाला पोर्शन भी बाहर आने लगेगा। तो ये जो आपका कंक्रीटिंग में, बेसिकली हम ये समझेंगे कि कंक्रीट में जब आपका वाटर बाहर आ रहा है, वो आपका ब्लीडिंग कहलाता है। ब्लीडिंग इन ए फ्रेश कंक्रीट रिफर्स टू प्रोसेस वेयर फ्री वाटर इन द मिक्स पुश्ड अपवर्ड टू द सरफेस ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ हैवियर सॉलिड पार्टिकल इट हैज सीमेंट एंड वाटर, ठीक है। यही आपका क्या कहलाया, ब्लीडिंग कहलाया, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कंक्रीटिंग में आपका क्या है, जब सीमेंट या वाटर आपका बाहर निकलने लगा, तो ये आपका जो है कंक्रीट जो है ब्लीडिंग कहलाएगा। तो ब्लीडिंग का रिड्यूस्ड करने के लिए क्या है, रिड्यूस द वाटर कंटेंट। अगर वाटर आप कम डालेंगे, यहाँ आपका ब्लीडिंग क्यों हो रहा था कंक्रीट से, क्योंकि हमारा इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड था, तो हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वाटर की जो मात्रा है उसको कम कर देंगे। रिड्यूस्ड स्लंप को भी रिड्यूस्ड करेंगे। सीमेंट रेशियो जो हम लोग दे रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो, वो भी कम देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ब्लीडिंग इन कंक्रीट जो है आपका रिड्यूस हो पाएगा, ठीक है। और भी है जैसे इंक्रीज फाइननेस ऑफ सीमेंटेशियस मटेरियल। सीमेंटेशियस मटेरियल में आ जाता है आपका लाइम, मोर्टार, ठीक है। और इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फाइंस इन द सैंड। सैंड को कहता है क्या, आप बढ़ा दीजिए, यूज केमिकल एडमिक्सचर, केमिकल एडमिक्सचर का यूज करने। ओके, जैसे कि एयर इंट्रेंट कंक्रीट, जैसे एग्जांपल में आपका दे रखा है रेजिन, हाइड्रोजन पाउडर, एलुमिनियम पाउडर। फिर है आपका हर्शनेस इन कंक्रीट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हर्शनेस इन कंक्रीट क्या होता है, द कंक्रीट मिक्स डज नॉट गिव स्मूथ सरफेस विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रोलिंग इज नॉन एज हर्श मिक्स। कह रहा है आपका कि
जब आप कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं, ओके, तो जैसे उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि आप लोग प्लास्टर वगैरह करते हैं, तो वो कह रहा है कि कंक्रीट जब मिक्स करेंगे तो वो सरफेस हमारा कैसा होगा, स्मूथ देगा, ठीक है। तो वो आपका जो है जिस चीज़ से आप उसको स्मूथनेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका हर्स मिक्स कहलाता है। अब कॉजेज ऑफ हर, यहाँ पे हर्सनेस लिखाएगा जो कि मिस्टेक हो गया। द अमाउंट द सीमेंट मोर्टार नॉट सफिशियंट टू फिल द वॉइड्स इन कोर्स एग्रीगेट, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव प्रोपोर्शंस ऑफ वन पार्टिकल साइज इन सेंटीमीटर एग्रीगेट्स ग्रेडिंग, प्रिवेंशंस ऑफ हर्सनेस, प्रिवेंशंस कैसे करेंगे, इट कैन बी प्रिवेंटेड इफ देयर इज सफिशियंट प्रोपोर्शंस ऑफ मोर्टार टू फिल द वॉइड्स इन कोर्स एग्रीगेट। कहता है इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सफिशियंट मात्रा में मोर्टार को वॉइड्स में फिल कर देंगे, ओके। फिर है कोहेसिवनेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में कोहेसिवनेस मतलब हम लोग जानते हैं जब सेम पार्टिकल आपका क्या करता है अट्रैक्ट होता है तो वो आपका कोहेसिव कहलाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कोहेसिवनेस इज द एलिमेंट ऑफ वर्केबिलिटी विच इंडिकेट वेदर अ मिक्स इज हार्स स्टिकी और स्टिकी। कोहेसिवनेस इज अफेक्टेड बाय एग्रीगेट ग्रेडिंग, वाटर कंटेंट, टाइप ऑफ सीमेंट और डी वाटर सीमेंट रेशियो। कोहेसिवनेस जो एलिमेंट है आपका क्या करता है, आपका वर्केबिलिटी का एलिमेंट है जो कि इंडिकेट करता है मिक्स के, मिक्स आपका मिक्स का, ठीक है, कि कैसा है, स्टिकी है, हार्ड है, ये सब आपका दिखाता है। और ये अफेक्ट करता है आपके एग्रीगेट के ग्रेडिंग का, वाटर सीमेंट का, टाइप ऑफ सीमेंट का और वाटर सीमेंट रेशियो का। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि वर्केबिलिटी क्या है, वर्केबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। इसके कुछ टेस्ट थे जिस जो कि सारे टेस्ट आपके बहुत आसान से टेस्ट थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही।